हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है इंडस्ट्री 4.0 न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मेरा नाम निपुन आहूजा है और ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली टॉपिक के बारे में मुझे पता कैसे लगा। एक्चुअली मैं रिसेंटली अभी एक कॉन्फ्रेंस में गया था जहाँ मुझे पता लगा। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे, उन्होंने इस टॉपिक के बारे में बताया कि इंडस्ट्री 4.0 जो है आने वाले टाइम में आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी सारे सब में इंडस्ट्री 4.0 का ही स्टार्ट हो जाएगा। अब इंडस्ट्री 4.0 एक्चुअली है क्या, मैं ये टॉपिक शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री 4.0 के बारे में अगर जाने तो एक्चुअली ये जो टर्म फर्स्ट टाइम आई जर्मनी से आया था। जर्मनी में एक 2012 में हैनवर नाम की फेयर हुई थी, वहां पे इंडस्ट्री 4.0 टॉपिक शुरू हुआ के टॉपिक के बारे में बताया गया था। इससे पहले इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0 भी आ चुकी है। इंडस्ट्री 1.0 एक्चुअली जितनी भी इंडस्ट्री 1.0 में थी वो सारी जितनी मशीन्स थी वो सारी स्टीम के थ्रू पावर्ड थी, जो कि 1800 का टाइम था। उस समय जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी स्टीम बेस्ड हुआ करती थी। और फिर इंडस्ट्री 2.0 आया जब इलेक्ट्रिसिटी की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, और उसके 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के बीच में जितनी मशीन्स थी इंडस्ट्रीज में वो सारी इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिवन होती थी। और फिर इंडस्ट्री 3.0 आया 1970 से 2000 के बीच में, जब इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ और जितनी मशीन्स थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर बेस्ड होती थी। और अब आने वाला जो टाइम है, या वो टाइम आप कह सकते हैं शुरू हो चुका है इंडस्ट्री 4.0 का, जिसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हैं वो सब साइबर फिजिकल सिस्टम से जुड़ी होंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे साइबर फिजिकल सिस्टम क्या है। एक्चुअली साइबर फिजिकल सिस्टम जो होता है इसमें कंप्यूटर्स, इंटरनेट, नेटवर्क और जितनी मशीन्स है सब आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो जितनी भी मशीन्स हैं वो एक्चुअली ड्रिवन होती हैं इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज के थ्रू। अब ये टॉपिक को हम आगे बढ़ने से पहले अगर एक बार थोड़ा देखें कि 2006 से पहले ऐसी कई टेक्नोलॉजीज और ऐसी कई कंपनीज के बारे में नाम सुना भी नहीं होगा, जैसे आईफोन, iPad, iPad, Kindle, 4G, Uber, Airbnb, Android, Oculus, Instagram, Snapchat, WhatsApp, ये सारे चीजें आपने 2006 के बाद सुनना शुरू की। और ये ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने पूरा इंडस्ट्री का मीनिंग ही बदल दिया। और ये एक मेन रीजन है इंडस्ट्री 4.0 के रेवोल्यूशन के लाने के लिए। आप देखेंगे 100 मिलियन कस्टमर्स को जो कुछ टेक्नोलॉजीज कैसे कैसे पहुंची। टेलीफोन को 75 साल लग गए, 75 इयर्स लग गए 100 मिलियन कस्टमर तक पहुंचने में। वहीं वेबसाइट जो WWW है उसको 7 इयर्स लगे। फेसबुक को 4 इयर्स लगे 100 मिलियन कस्टमर तक पहुंचने के लिए। इंस्टाग्राम को 2 साल लग गए। और पोकेमैन गो जो अभी रिसेंटली एक गेम है जो 1 महीने के अंदर 100 मिलियन कस्टमर तक पहुंच गई। तो आप देखेंगे कि कैसे इंटरनेट जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो कैसे कंपनीज जो है एक साथ मास ऑफ कस्टमर्स तक पहुंच पाई विद इन वेरी लीस्ट टाइम। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्री 4.0 के फीचर्स क्या क्या हैं। इंडस्ट्री 4.0 जो प्रोडक्शन में प्रोडक्शन लाइंस और सप्लाई चेन है उनको बहुत ही स्ट्रांगली अफेक्ट करने वाली है। आने वाले टाइम में जो फैक्ट्रीज होंगी वो बहुत स्मार्ट होंगी। इंडस्ट्रीज में जितनी भी मशीन्स होंगी या लोग होंगे या सर्विसेज होंगी या डाटा होगा वो सब इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होंगी। और जो मैन्युफैक्चरिंग होगी बहुत एडवांस मैन्युफैक्चरिंग होगी। और जो प्रोडक्शन सिस्टम होगा वो साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम होगा, जिसमें मेकाट्रॉनिक्स, जिसको हम मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सब का नेटवर्क करके आपका प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप होगा। कंपनीज आने वाले टाइम में मास प्रोडक्शन से मास कस्टमाइज प्रोडक्शन सिस्टम की तरफ रन करेगी। मास कस्टमाइज प्रोडक्शन सिस्टम मतलब ये है
कि अगर कस्टमर चाहता है कि उसकी कार में जो फीचर्स हैं जैसा वो चाहता है उसको वैसे ही फीचर्स मिले, तो ये सब चीजें आने वाले टाइम में पॉसिबल है कि आपकी जो गाड़ी, आप जो गाड़ी चाहते हो या आप जो भी प्रोडक्ट चाहते हो उसमें जो फीचर्स हैं वो इंडस्ट्री डिसाइड नहीं करेगी, उसमें कस्टमर खुद डिसाइड करेगा कि वो उसको क्या क्या फीचर्स चाहिए और वो सारे फीचर्स उसको अवेलेबल कराए जाएंगे। आने वाले टाइम में जब बिजनेस में कुछ डायनेमिक चेंजेस होंगे उसको भी कंपनीज अडेप्ट कर पाएगी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री 4.0। अब जैसे अगर देखेंगे आजकल की जो फैक्ट्री या पीछे की जो पिछले पिछले जमाने की कुछ फैक्ट्रीज थी वो उसमें जो प्रोसेस के अंदर जितने वर्क स्टेशन आपस में कनेक्टेड होते थे बहुत रिजिडली कनेक्टेड होते थे। अगर वर्क स्टेशन वन का रॉ मटेरियल बनाने का वर्क स्टेशन टू में आता था तो वर्क स्टेशन वन खाली जो इन्फॉर्मेशन देता था वो वर्क स्टेशन टू को देता था, या रॉ मटेरियल देता था वर्क स्टेशन टू को देता था। वर्क स्टेशन वन इज कनेक्टेड टू वर्क स्टेशन टू, वर्क स्टेशन टू इज कनेक्टेड टू वर्क स्टेशन थ्री, पर इसका मतलब ये नहीं कि वर्क स्टेशन वन कैन ऑल्सो कनेक्ट टू वर्क स्टेशन थ्री। तो बहुत रिजिडली चीजें कनेक्ट होती थी, तो इन्फॉर्मेशन फ्लो एक बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत लॉजिकल और रिजिड तरीके से होती थी। लेकिन जब इंटरनेट फोर डेवलप हो जाएगा तो जो वर्क स्टेशन आपस में कनेक्टेड होंगे बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से होंगे और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बहुत इंटीग्रेटेड तरीके से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वर्क स्टेशन ए वर्क स्टेशन एक्स को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, कोई रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, तो वर्क स्टेशन ए जो है वर्क स्टेशन एच को, वर्क स्टेशन टी को, वर्क स्टेशन के को भी इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम डेवलप हो जाएगा इंटरनेट 4.0 के, इंडस्ट्री 4.0 के कारण। इंडस्ट्री 4.0 में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आएंगी, इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। साइबर फिजिकल सिस्टम जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। नेटवर्क कम्युनिकेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिग डाटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग जिसमें आप बहुत सारा डाटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं यूजिंग रिमोट सर्वर्स, और क्लाउड कंप्यूटिंग जिसमें आप अपना डाटा रिमोट सर्वर में डालेंगे रादर रादर लोकल लोकल सर्वर के में, और आप एक साथ टेराबाइट गीगाबाइट में आप डाटा डाल सकते हैं या जेराबाइट में आप डाटा डाल सकते हैं। इसमें मॉडलिंग करना, वर्चुअलाइज करना और सिमुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ऐसे टूल्स बन जाएंगे जिसमें ह्यूमन और कंप्यूटर इंटरेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। इंडस्ट्री फोर की टेक्नोलॉजीज होंगी वो प्रोडक्शन सिस्टम और सप्लाई चेन को थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटीग्रेट कर देगी, और आने वाले टाइम में ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे जो खुद को मॉनिटर कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक एग्जांपल सुना था कि आने वाले टाइम में कपड़े भी ऐसे हो जाएंगे या जो 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 सेल्फ मतलब जो स्मार्ट 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 प्रोडक्ट्स होंगे जो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब धुलना है, और उसके हिसाब से आपको आपको उसमें सेंसर्स लगे होंगे और आप बता सकते हैं कि आपके कपड़े कब गंदे हुए और उनको कब उनको धुलने की जरूरत है। और साइबर फिजिकल सिस्टम के थ्रू फिजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करना और मॉनिटर करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजीज होंगी वो सेंसर्स, इंटेलिजेंट रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, 3D प्रिंटिंग डिवाइसेस, डाटा एनालिटिक्स, इन सब के कॉम्बिनेशन से चीजें ड्राइव होंगी। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर के जो डिवाइसेज है उनको कनेक्ट करना वायरलेस के थ्रू या इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत आसान हो जाएगा, जो कि हालांकि अभी भी काफी आसान हो चुका है, लेकिन आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजीज बहुत चेंजेस आने वाले हैं। और मॉडलिंग करना, वर्चुअलाइज करना, सिमुलेट करना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को काफी आसान हो जाएगा। क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इंडस्ट्री 4.0 के? सबसे पहले ऑटोनोमस रोबोट्स, जितने भी इंडस्ट्री 4.0 में मैन्युफैक्चरिंग होगी या सर्विस प्रोवाइड होगी उसमें रोबोट का बहुत बड़ा रोल होगा, और वो रोबोट जो होंगे ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होंगे, उनको मैनुअल रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाएगी। सिमुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, आपको सपोज कोई कार बनवानी है तो उसका पहले सिमुलेशन आप बनाना, उसको सिमुलेट करना, उसका मॉडल बनाना और उस पर टेस्टिंग करना काफी आसान हो जाएगा।
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिस्टम इंटीग्रेशन काफी आसान हो जाएगा, मतलब आप हॉरिजॉन्टली मशीन्स हैं उनको कनेक्ट करना, या फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम हाईएस्ट हाईएस्ट डिपार्टमेंट, जो स्ट्रेटेजिकल लेवल ऑफ डिपार्टमेंट है, से लेके जो बॉटम लेवल ऑफ डिपार्टमेंट है एक किसी कंपनी में, वो काफी आसान हो जाएगा। जितनी भी चीजें होंगी वो काफी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होंगी, और क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे होगा तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें डाटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक चीज शुरू हो जाएगी जो अभी भी शुरू हो चुकी है, 3D प्रिंटिंग और रैपिड प्रोटोटाइपिंग इसका एक बड़ा एग्जांपल है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है लेयर बाय लेयर होती है, और आप जैसे सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग पहले जमाने में होती थी, जिसमें जिसमें लेथ मशीन और आपकी मिलिंग मशीन हो गया या फिर ड्रिलिंग हो गया, जिसमें आप सब्सट्रैक्ट करते थे प्रोडक्ट में से मटेरियल को और फिर आप प्रोडक्ट बनाते थे। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाएगी प्रोडक्शन की। और ऑगमेंटेड रियलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडस्ट्री 4.0 का। बिग डाटा एनालिटिक्स, आप काफ़ी सारा डाटा को एनालाइज कर पाएंगे, चाहे वो इमेज के फॉर्म में हो या वीडियो के फॉर्म में हो और या फिर टेक्स्ट बेस्ड डाटा हो, और उनको बहुत माइन्यूटली आप एनालाइज कर पाएंगे। इवन रिसेंटली मैंने ये भी सुना था कि आने वाले टाइम में जब आप किसी रिटेल शॉप में सपोज कोई प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे, तो आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको लंबी लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सीधे प्रोडक्ट शॉप से उठाएंगे और आपके अकाउंट में से पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, और आप यू कैन डायरेक्टली गो आफ्टर शॉपिंग विदाउट स्टैंडिंग इन बिलिंग क्यूज। सो दिस इज वेरी गुड थिंग। इंडस्ट्री 4.0 में एम्प्लॉयज को क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी उसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थिंकिंग बहुत क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है एक एम्प्लॉय के अंदर इन इंडस्ट्री 4.0। क्रिएटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पीपल मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन विद अदर्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉपर जजमेंट और डिसीजन मेकिंग, कस्टमर को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस ओरिएंटेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। निगोशिएशन विद कस्टमर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि मैं कहूँगा कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक इम्पॉर्टेंट स्किल रिक्वायर होगा इंडस्ट्री 4.0 के टाइम एम्प्लॉयज के लिए। क्या क्या बेनिफिट्स हैं इंडस्ट्री 4.0 के? पहला, मास कस्टमाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि कस्टमर अपनी मर्जी से क्या क्या जो प्रोडक्ट में फीचर्स चाहता है उसको वो चीज़ डलवाना उसके लिए पॉसिबल होगा। प्रोडक्शन सिस्टम जो है बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा, प्रोडक्शन की स्पीड जो है काफ़ी बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी हाई हो जाएगी, एरर रेट काफ़ी कम हो जाएंगे, चीज़ों को एनालाइज करना काफ़ी एडवांस हो जाएगा, सिमुलेशन जो भी होगी वो डाटा के थ्रू ड्रिवन होगी, मेंटेनेंस को आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि किस समय आपको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, और कस्टमर के साथ आप ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे इन इंडस्ट्री 4.0। कोई भी न्यू वैल्यू क्रिएट करना होगा प्रोडक्ट के अंदर तो इंडस्ट्री 4.0 में आसान हो जाएगा, और वर्क लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। अब अगर इस ग्राफ को देखेंगे, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन रिलेटिवली कम है, लेकिन जब इंडस्ट्री 4.0 शुरू हो जाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इंडस्ट्री 4.0 को एग्जीक्यूट करना और इम्प्लीमेंटेशन करना उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपको इंडस्ट्री 4.0 के लिए प्रॉपर विजन, प्रॉपर मिशन और गोल का जानना बहुत जरूरी है। उन गोल्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या मेजर्स हैं, इसके अंदर नॉलेज होना जरूरी है, और फिर आप इस प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ साथ आपको प्रोसेस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है उनकी मैनेजमेंट करना, और जो जो आईटी टेक्नोलॉजीज में इन्वॉल्व होंगी उनका मैनेजमेंट करना, प्लस
पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट करना और स्टाफ का मैनेजमेंट करना, जब ये सारी चीजें एक साथ मिलके होंगी तो इंडस्ट्री 4.0 को एग्जीक्यूट करना और इम्प्लीमेंट करना काफी आसान हो जाएगा। ये कुछ बड़ी बहुत बातें थी इंडस्ट्री 4.0 के बारे में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। हालांकि ये टॉपिक में मैं बहुत डेप्थ में नहीं गया हूँ क्योंकि अभी मुझे भी इसमें काफी रिसर्च करनी है, पर मुझे क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल नया लगा था और काफी इंटरेस्टिंग लगा था, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड जॉब्स काफी निकलने वाली हैं। आने वाली जो जॉब्स हैं वो सारी इंडस्ट्री 4.0 रिलेटेड होंगी और जितनी भी ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने आपसे ये टॉपिक शेयर किया। आई होप यू हैव लाइक दिस टॉपिक। थैंक यू, थैंक्स लॉट।